हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी और सिंपल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनकर के तैयार होती है। इसके लिए हमने आधा मीटर प्रिंटेड फैब्रिक और एक मीटर नेट फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए हमने ये तीन पीस लिए हैं कपड़े के, जिसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 15 इंच है। अभी इन तीनों कपड़ों को हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर कटिंग के मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर हमने 5 इंच लिया है, आर्म होल हम यहाँ पर 5.5 इंच ले रहे हैं, चेस्ट हम 7 इंच लेंगे यहाँ पर, और वेस्ट हमें 6.5 इंच लेना है। अभी इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे और यहाँ पर हम 0.5 इंच पर एक निशान लगा करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है और नेक की लंबाई का निशान हम 1 इंच पर लगा करके इसको राउंड शेप दे देंगे। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है और 0.5 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर तीनों पीस की एक साथ कटिंग करनी है। फिर यहाँ पर हमें जो बैक पार्ट है हमारा, उसका एक पीस हम अलग कर लेंगे और फ्रंट के दो पार्ट हम इसी में रहने देंगे और इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक नेट का पीस लिया है हमने, जो कि तकरीबन 6 इंच लंबा है। फिर यहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फ्रंट नेक ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे नेट के ऊपर, और इसी तरीके से हम यहाँ पर नेट के ऊपर आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो नेट का पीस है उसके ऊपर हमने कटिंग कर ली है। अब जो प्रिंटेड फैब्रिक है उस पर 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद में 2 इंच नेक से जो नीचे एक निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों निशान को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे और इस निशान के ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अभी हमने ये फ्लेयर के लिए 2 पीस लिए हैं प्रिंटेड फैब्रिक के, जिसकी लंबाई 15 इंच और जिसकी चौड़ाई 28 इंच है। इस पर हम गैदरिंग्स ले लेंगे और इसी तरीके से हमने यहाँ पर 2 पीस नेट के लिए हैं कि लंबाई 16 इंच और इसकी चौड़ाई 39 इंच है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप पार्ट सिलकर तैयार करेंगे। तो एक पीस लेंगे हम, उसके ऊपर हमने जो नेट का पीस कट किया है उसको रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पिन से इसको एक बार फिक्स कर लिया है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हिले, और एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें इसके पलटने में आसानी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि अभी हमने इसको पलट लिया है। अब इसके ऊपर हम आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। अब बैक पार्ट लेंगे हम और यहाँ पर इसके सेंटर में हम 3 इंच पर निशान लगा करके एक कट लगा लेंगे। फिर हमें एक पट्टी लेनी है उरेब की, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी, और इसे इस कट के ऊपर रख करके हम एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अब इसकी सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे और इसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कट्स लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ करते हुए पलट लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक पार्ट भी हमारा बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि दोनों शोल्डर्स को हमने जॉइंट कर लिया है और अब एक उरेप पट्टी लेंगे हम 1.5 इंच की और इसको हम नेक के ऊपर लगा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पट्टी को हम आराम से पलट सकें। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर करते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे फ्रॉक का नेक बन करके रेडी है। अब हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने नेट का फैब्रिक लिया है 2 पीस और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई 5 इंच है और इसको फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 14 इंच है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और थोड़ा सा कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर जो स्लीव्स की मोहरी का हिस्सा है उसके ऊपर हम लेस रखकर इसको स्लीव्स के साथ अटैच्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर लिया है स्लीव्स के साथ। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स या फिर गैदरिंग्स ले लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स बन करके रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी है। अब एक स्लीव्स लेंगे हम और उसको आर्म होल के ऊपर इस तरीके से रख कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक स्लीव्स हमने ज्वाइंट कर ली है और इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइंट कर लेनी है। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। फिर जो टॉप पार्ट हमने तैयार किया है उसके दोनों साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रॉक के लिए यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट बनकर तैयार है। फिर यहाँ पर जो हमने घेरे के लिए प्रिंटेड फैब्रिक लिया था उसे हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे प्लेट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने इसके एक तरफ प्लेट्स ले लिए हैं और इसका जो दूसरी तरफ का पार्ट है बॉर्डर वाला उसको हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक का जो फ्लेयर था वो बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर नेट फैब्रिक लेंगे और इसको भी हम दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे।
अच्छा, फैब्रिक को दोनों साइड से हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके एक साइड में हम छोटे छोटे प्लेट्स ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गैदरिंग्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेट का घेरा था वो भी बन करके तैयार है। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर जो साइड की सिलाई है उनको मिलाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और दोनों पीसेस को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। अभी दोनों पीसेस को ज्वाइंट करने के बाद जो टॉप पार्ट हमने तैयार करके रखा है उसके साथ हम फ्लेयर को अटैच्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है और ये देखिए कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा एलिगेंट फ्रॉक बन करके तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और फ्रेंड्स, हमारा नया नया चैनल है तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि इसी तरीके की ब्यूटीफुल ड्रेसेस की वीडियो हम आपके साथ लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।